बद्र के द्वारा का द्वार यहाँ छना ओ छना कनकल हरिद्वारा मेरो ही माला ओ छना कनकल हरिद्वारा मेरो ही माला। मुझे अच्छा लग रहा है प्रकृति की गोद में यहाँ हम सब साहित्य पे और साहित्य से जुड़े तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस यहाँ इस स्थल पे मौजूद समस्त मेरे वरिष्ठ और मेरे समकालीन दोस्तों और मेरे युवा पाठकों और साथियों, आज हम भूमंडलीकरण पे बात कर रहे हैं और जिस तरह से भूमंडलीकरण ये शब्द बार बार आता है एक तरह का क्लीशे उत्पन्न करता है, वैसा ही क्लीशे जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे बीच में करता है कि जिसका शोर तो बहुत है और पान की पीक दीवारों पर थूकते हुए नेता साफ सड़कों को दोबारा साफ करते हैं, ठीक वैसे ही हम सब बिल्कुल मॉल्स में उपस्थित सारी चीज़ों से आकर्षित होते हुए तमाम ब्रांड्स के बीच में बैठे हुए भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण बाजारवाद बाजारवाद की रट लगाते हैं। इसकी बढ़ती हुई विकराल उपभोक्तावादी संस्कृति से अब हम बाहर नहीं आ सकते, ये हम सब जानते हैं, हम इस ब्लैक होल में बिल्कुल जा चुके हैं। बस अब जरूरत ये बची है कि हम इन स्थितियों की भयावहता को लेखन के जरिए सामने लाएं और हम संस्कारी कहानियां लिख के इस विकरालता को नहीं पाट सकते, हमें बिल्कुल वही दृश्य सामने लाना पड़ेगा जो है, बिल्कुल यथार्थवादी दृश्य अगर हम लिख सके तो हमारा कहानी लिखना सार्थक होगा। मेरे मित्र हैं जो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड में पोस्टेड रह चुके थे, डॉक्टर हैं और उनका आदिवासियों से सबका अक्सर पड़ा करता था, तो उन्होंने मुझे एक बार बातों बातों में बताया कि एक नागा मुखिया ने उनसे कहा था कि साहब ये जो सड़कें हैं ना यही हमारी परंपराओं को नष्ट करती हैं, यही सड़कें हैं जो हमारे नष्ट होने की वजह हैं कि हमारी नई पीढ़ी सब कुछ भूलती जा रही है और इन सड़कों ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया है। तो एक बार को मैं चौंक गई थी कि कहाँ सड़कें तो हमारे लिए विकास की वजह हैं, ये सड़कें किसी मतलब एक नागा मुखिया के मुँह से ये सुनना और उन डॉक्टर मित्र से मुझ तक पहुँचना, ये बात बहुत ही हैरानी वाली थी और मुझे चौंकाती थी। ऐसे वो कई किस्से सुनाया करते थे, एक किस्सा उनमें से ये था कि नागालैंड की तरफ एक जनजाति थी जो ऊपर से लगभग निर्वस्त्र रहती है और उनको जब शहर में आके सामान खरीदना होता था तो उनके ऊपर एक नियम लागू था कि वो पुल जब पार करें तो वहाँ पुल पे वस्त्र रखे होते थे, उन वस्त्रों से अपने आप को ढक लें, तो उन वस्त्रों को ढक के और बाजार में प्रवेश करते थे। मतलब ये कितना बड़ा रूपक पैदा करता है अपने आप में कि आप पहले अपने आप को ढको, अपनी मूल प्रवृत्ति से अपने आप को विमुख करो, फिर बाजार में प्रविष्ट हो। उसके बाद वो जब बाजार में प्रवेश करते थे अपना सामान सौदा लेके वापस शहर से गुजरते थे, वो कपड़े अपने ऐसे फेंकते थे जैसे कि मतलब किसी बहुत बड़ी आफत से मुक्त हो रहे हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी मूल भावनाओं में बसी हैं। हम इस बाजार को, हम इस उपभोक्तावाद को, इस भूमंडलीकरण को मन से नहीं स्वीकार करते, हम उन कपड़ों की तरह ही पहनते हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी फेंक देना चाहते हैं। तो हमारी ये जो एक आकांक्षा हमारे अंदर ये पलती है कि हम इन कपड़ों को फेंक दें किसी भी बाजार में प्रवेश करने से पहले, तो इस प्रवृत्ति को हमें कहानी में लाना पड़ेगा। ये स्थितियाँ कहने और लिखने से कहीं भयावह है और अब तो नियंत्रण से बाहर है। नियंत्रण में केवल एक ही चीज है, वो है अनुपम मिश्र जी जो अपने जीवन से हम सबको दे गए हैं कि हम उपभोक्ता संस्कृति से बचें। मोबाइल कार और इन सब का उत्पादन तो ठीक है लेकिन अब बाजार ने आपके पैर तोड़ दिए हैं। आजकल गाँव में अक्सर ऐसे वैज्ञानिक घूमते नजर आते हैं जो आप गांव वालों को कहते हैं आपके पानी में आर्सेनिक है, आप आरओ लगाइए, जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं कहा, हम उसी पानी को पीते आ रहे हैं और इसी भूमंडलीकरण का या इसी पर्यावरण के नष्ट होते चले जाने का परिणाम है
या फिर हमें ये डराया जा रहा है कि हमें आरओ की जरूरत है, वो आरओ जो कि दोबारा से हमारी धरती को विनष्ट कर देगा। उस आरओ से जो इतना सारा पानी नष्ट होगा वो वापस हमारी धरती को खराब करता जा रहा है, और हमें बार बार ये डराया जा रहा है इस पानी में ये है, इस पानी में वो है, आप आरओ का इस्तेमाल करें। हिंदी का लेखक आज की नब्ज पकड़ने के बजाय महान साहित्य रचना चाहता है, वो ऐसा साहित्य क्लासिक की रचना चाहता है, क्योंकि अगर वो आज पे लिखेगा तो हो सकता है लोग कहें ये क्या यार लिखा है। कुछ क्लासिक लिखते हैं कुछ सुंदर भाषा में, और आज का ये विद्रूप प्रकट करने की जो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम उस विद्रूप को छोड़ के कुछ क्लासिकल रचना चाहते हैं। हम शायद ऐसी चीज लिखना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पे पाठक पढ़े, हम ऐसी चीज नहीं लिखना चाहते जिससे कोई हमारी आंखों में उंगलियां चुभो दे। हिंदी कहानी में भूमंडलीकरण, आज मैं इस संदर्भ में तीन कहानियां याद करना चाहूंगी। एक कहानी जो आप सबने भी पढ़ी है, संजीव की कहानी है अपराध। उस कहानी में कैसे दवा विक्रेता बीमारियों से भय उत्पन्न करते हैं और दवाओं को बाजार में उतारते हैं, और किस तरह से बीमार तैयार किए जाते हैं, दवाई नहीं, बीमारों की जरूरत उत्पन्न की जाती है, दवाओं की नहीं, वहां पे बीमारियों से भय करा के। इस तरह से संजीव ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है अपराध, और आप सबने पढ़ी होगी।